मैं मेदीपुर बालाजी, मदन मोहन जी और भगवान महावीर जी को भी प्रणाम करता हूं। आज महान समाज सुधारक महात्मा फुले जी की भी जन्म जयंती है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं। साथियों, करौली धौलपुर की ये धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। करौली उस ब्रिज का क्षेत्र है जहां की रज भी सिर पर धारण करते हैं। यहां आपका ये आशीर्वाद, इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरा युवा साथी और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का ये स्नेह देश के लिए बड़ा संदेश है। 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। पहली बार किसी सरकार ने पशुधन की भी इतनी चिंता की है। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं। जब कोरोना में मुफ्त में टीके लगवाए तो चारों तरफ वाहवाही होती थी।
लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि पशुओं का भी मुफ्त टीकाकरण का अभियान हजारों करोड़ रुपए खर्च करके किया जा रहा है। ये हमारा राजस्थान, ये तो मोटे अनाज जैसा बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न की पैदावार में सबसे आगे है। पहले मोटे अनाज पैदा करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को कोई पूछता नहीं था। हमने मिलेट मिशन चलाया और हमने दुनिया को समझाया कि हमारा जो मोटा अनाज है ना, ये सुपर फूड है। सुपर फूड, और हमने उसका नाम भी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम थे, तो आज वही मोटे अनाज श्री अन्न के नाम से जाने जा रहा है।